हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो अभी बिल्कुल मैं नहा कर ही आई थी और काफ़ी मॉर्निंग में शूट किया था मैंने। आज रक्षाबंधन है और सुबह मैंने कहा चलो सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बाकी काम होंगे। तो शूट भी मैंने कहा कर लूँगी, इस लोग में हमेशा नहीं हो पाता है। और हमेशा मैं ये सोचती हूँ ना कि पहले खाना बना लूँ, सब काम कर लूँ, उसके बाद रेडी होंगी। तो ये था आज का मेरा ड्रेस, ये मेरा आउटफिट है आज का। और सबसे पहले मेहंदी देख लीजिए, वैसे तो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में शेयर भी किया था, सो और भी अच्छी लग रही थी मेहंदी और ड्रेस वगैरह में मैच भी कर रही थी। तो अभी मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया है नॉर्मल, जो हमेशा लगाती रहती हूँ मैं, खासकर जब मेकअप करती हूँ तो बिल्कुल लगाना होता है। और अब मैं लगाऊंगी सीरम, तो ये गुड वाइब्स की बहुत ही अच्छी सीरम है ये। और इसका लिंक मैं ज़रूर, पूरा फुल नेम नहीं पता, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लगा सकते हैं। और ख़ासकर क्या है ना, गर्मी अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है, खासकर उनके लिए है ये। और वैसे तो पसीना इतना आता है गर्मी में, उसकी ज़रूरत नहीं ज़्यादातर पड़ती है, बट मेकअप में थोड़ा बहुत आप लगा सकते हैं इसे। काफ़ी अच्छा जो है ना मेकअप आपका जो है आज काफ़ी अच्छे से जो है पिगमेंटेड रहता है। उसके बाद ये NYBB क्रीम है, आई थिंक ऐसे ही नाम है इसका, मैंने purple.com से लिया था। तो इतनी अच्छी है ये कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। एंड इसमें आप इसको लगाते हैं ना तो मेकअप भी है और नो मेकअप भी आप कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। और इसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। मुझे फाउंडेशन से ज़्यादा ये क्रीम बहुत पसंद आई। छोटा पाउच है और आई थिंक अगर इसका थोड़ा बिग पाउच होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड देता है। और मैंने ना कोई बिल्कुल भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश जो है यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम आती ना, मैंने उसको लगाया है ये। और मैंने ये भी ना काफ़ी टाइम पहले लिया था, कुछ महीने पहले, purple.com से। और ये भी काफ़ी अच्छा मैंने इसे लगा लिया, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ। और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो है मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर, ये कप्स एंड लैशेस का है और मेरा बहुत फेवरेट है ये वाला, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट purple.com से ही मिल जाएगा ये आपको। और ये ब्रांड ने भेजा था मुझे कुछ महीने पहले, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, चिक्स टिंट। एंड ये ना अमेजिंग ब्लश है, बहुत नेचुरल लुक देता है। बट आपको मैंने बताया था मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद है, तो कैमरे में तो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर रहा था, बट रियल में बहुत अच्छा नेचुरल देता है ये लुक। हाँ, आपको ज़्यादा अगर मैं लगा लेती हूँ इससे ज़्यादा थोड़ा सा क्वांटिटी, तो ये और ज़्यादा जो है रेड जो है चिक्स दिखाई देते, बट मुझे थोड़ा बहुत ही पसंद था। और घर का मेकअप बहुत ज़्यादा हाई नहीं अच्छा लगता है। फिर बारी आती है कंटूरिंग की, सो ये अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा आपका मोटा फेस है तो वो थोड़ा सा स्लिम दिखाई देता है। नॉर्मली इसका यही एक करने का तरीका होता है। और नोज़ वगैरह पे मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट नो प्रॉब्लम। और अगर आप हाथ से ब्लेंडिंग कर रहे हैं कोई भी फाउंडेशन वगैरह की, तो आप ना आईब्रो बाद में ही फिल करिए, इससे आपका फ़ायदा है। नहीं तो आप पहले से फिल कर लेंगे तो वो आईब्रो ना वाइट हो जाएगी। और मैंने आज कुछ भी पहले से सोचा नहीं था लुक के लिए, मुझे जो समझ में आया मैंने वो लगाया। आज मैंने ब्राउन कलर सबसे पहले लिया, और एक तो ब्राउन कलर था ही मेरी आउटफिट, आपने देखा ही, ब्राउन था, तो मैंने सबसे पहले हल्का सा ब्राउन कलर लिया। एंड उसके बाद डार्क पर्पल लिया, मैंने कोई भी ग्लिटरी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे ग्लिटर में नहीं पसंद आता। एंड मैंने आइज़ ना, क्योंकि काफ़ी जल्दी उठी थी सुबह, तो काफ़ी स्वेलिंग दिख रही होगी आपकी मेरी आइज़ में, आपको समझ में आ रहा होगा। तो और ज़्यादा मुझे ना आई मेकअप करने में थोड़ा जम नहीं रहा था बिल्कुल भी, आइज़ में स्वेलिंग सी लग रही थी, तो बस हल्का सा मैंने ये कर लिया था आई शेडो में, बाकी और कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया था। इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर ले। एंड अब बारी आती है आईलाइनर की, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो मैंने ये ममअर्थ का आईलाइनर है जो मेरा बहुत फेवरेट है, और ये बहुत ही अच्छा भी है सच कहूँ, मतलब जिन लोगों ने ट्राई किया है तो उनको पता ही होगा कि ममअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट होते हैं। और उसके बाद रेड कलर की लिपस्टिक, जो मैंने बिल्कुल लाइट कलर में कोशिश किया है, यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है। एंड मेरा मेकअप हो गया है डन, और बस
अब लगा लूँगी बिंदी, जो बहुत अधूरा लगता है। और हेयर काफ़ी गीले थे, इस वजह से मैंने ना अभी सिंदूर नहीं लगाया। थोड़ा सा टचअप होंगी, थोड़ा सी गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था इस वजह से। और थोड़ा लोअर रैशेज़ वगैरह में थोड़ा सा, मतलब अगर आपकी आईज बिग लगनी है तो थोड़ा सा अपना पर्पल कलर मैंने इसी में जो आई शेडो में यूज़ किया था, और काजल नहीं यूज़ किया था क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी, और भी ज़्यादा होने लगी है आईज़ में अगर मैं काजल लगा लेती हूँ तो। और ये है मेरी इयररिंग्स, और मैंने इयररिंग्स कई दो तीन बार तो पहने ही आप लोगों से शेयर किया, यानी काफ़ी सुंदर लगते हैं, जितने बार भी पहनो ना कम है। और इतना अच्छा सा लुक आ रहा था इयररिंग्स पहनने के बाद। तो आउटफिट में चाहे तो आप सिर्फ ये ना बिग इयररिंग्स ही पहन सकते हैं, ये झुमकी नीचे है एंड इसमें मिरर दिया हुआ है खूबसूरत सा, और इसी में काफ़ी अच्छा सा लुक लग रहा था। आप चाहे तो कुछ भी गले में पहनने की ज़रूरत नहीं, बट मैं कन्फ्यूज थी कि पहनूँ कि ना पहनूँ। मैंने कहा चलो पहन के देखते हैं कैसा लगता है, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। आई होप कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो सिंपल सा ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है जो मैंने कलेक्शन में शेयर किया था आप लोगों से। तो ये है फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को मैं नहीं होता सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो कैसा लग रहा है मेरा फाइनल लुक, मैंने सिंदूर नहीं लगाया क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी गीले थे इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।